वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज जो हम बात करने वाले पार्ट फोर वाला सेशन है इस गाड़ी का। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा हो तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप जाके पूरी डिटेल जो है कवर कर सकते हो। तो आज जो हम बताने वाले हैं आपको, जैसा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, हमारी सेंट्रल लॉक की जो भी सेटअप है हमने इसको कम्प्लीट इसको हटा देनी है। तो वो तो हमने हटा दिया, आपने तो वीडियो में देख ही रखा होगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने उसके साथ यहाँ पर जितने भी वायर्स लगे थे, मतलब जो भी यहाँ पर कपलर्स लगे थे उसको मैंने हटाया ना, मतलब एक तरह से इसके डोर्स में जो भी यहाँ पर आप वायर्स देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर इसके एक्चुएटर मोटर जो होता है उसके मोटर्स के जो वायर्स है उसको मैंने यहाँ पर रिमूव नहीं किया। मतलब चारों डोरों में अभी भी इसके वायर्स जो है मौजूद है, तो हमने इसको रिमूव नहीं किया था। और उसके साथ बैटरी की जो भी यहाँ पर सेटअप है, बैटरी के साथ जो भी यहाँ पर पॉजिटिव इसका इन हो रहा है बॉडी के अंदर, जो हमारा सेंट्रल लॉकिंग का जो सेटअप था उसको ऑन करने के लिए, उसको भी हमने रिमूव नहीं किया। मतलब इसके वी बैट वाले वायर जो भी थे हमारे वी बैट सप्लाई के, उसको हमने रिमूव नहीं किया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये उसका वायर है और ये जो है डोर्स के सेटअप के वायर। तो आज हम इसी के ऊपर यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़े हैं और उसके साथ इसके जो मोटर्स पड़े हैं इनको यूज़ करके जो है कंप्लीट इसके मैनुअल सेटअप बनाने वाले हैं। मतलब एक तरह से हमारा जैसा पहले था उसमें जो है कंप्लीट सर्किट बोर्ड की मदद से जो है हमारा सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर काम करता था। सर्किट बोर्ड जो होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेसिंग के ऊपर होता है, मतलब वो जो है इंटरनली प्रोसेस करके जो है वोल्टेज को ऑन करना ऑफ करना वो जो है कंप्लीट उसके अपने अकॉर्डिंग करता है। तो आज जो हम करने वाले हैं कंप्लीट मैनुअल सेटअप करने वाले हैं, कुछ हम यहाँ पर सर्किट बोर्ड का यूज़ नहीं करके जो है हम इसको मैनुअल में इसको वर्क कराने की पूरी कोशिश करा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैनुअल में वर्क कराने के लिए यहाँ पर इसको जो है एक छोटा सा स्विच चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का स्विच है, तो इस स्विच की एक स्विच की मदद से जो है हम इसकी डोर्स को लॉक और अनलॉक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कुछ इस तरह का स्विच है, यहाँ पर इसके छह लेग है, तो छह लेग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह के हैं, ओके। और यहाँ पर इसकी ऑन यहाँ पर है, नीचे ऊपर ऑन है, और सेंट्रल में जो है इसकी ऑफ है। मतलब सेंटर पे हम इसको रखेंगे तो जो है हमारा सेटअप जो है ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरह का स्विच है। तो यहाँ पर इसकी चीज़ें मुझे फाइंड आउट करने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो जिसके चलते मेरे वीडियो जो है थोड़ा लेट बनना चालू हो गए। एपिसोड जो मैंने बनाना था वो इसी की वजह से जो है थोड़े बहुत लेट हो चुके, क्योंकि सारे जो है मटेरियल मुझे मार्केट में कहीं से अवेलेबल तो नहीं मिला और इसके चलते जो है थोड़ा बहुत मुझे देरी हो चुकी थी। तो अभी देखिए हम इसकी फटाफट से मैं आपको वायरिंग बता दूंगा, देरी ना करते हुए इसकी जो है यहाँ पर इसकी स्विच की जो भी वायरिंग है मैं आपको बता दूंगा। स्विच की वायरिंग हम फर्स्ट क्लिक कर लेंगे और स्विच की वायरिंग करने के बाद चलिए दोस्तों अभी हम इसकी फटाफट से इसकी जो जो भी यहाँ पर वायरिंग लगनी चाहिए उसकी वायरिंग को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वायरिंग के लिए हम फर्स्ट लेंगे यहाँ पर हमारा रेड वाला वायर। देखिए दोस्तों सारी जो है वायरिंग इसकी मैंने कर रखी है स्विच की। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सेंटर वाली जो लेग है हमारी पॉजिटिव की है और यहाँ पर जो है नेगेटिव की है, अपोजिट में जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करना है। और उसी तरह से यहाँ पर देखिए हमने इसको कनेक्ट किया है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड के कॉर्नर के जो हमारे लेग्स है लेफ्ट और राइट के, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रेड वायर सीधे जाके टच हो रही है अपोजिट में जो है राइट साइड में, मतलब हमने यहाँ पर कनेक्ट किया लेफ्ट साइड में और ये जो है कनेक्ट हो रही है राइट साइड में, ओके। उसी तरह से हमने इसको अपोजिट में कनेक्ट करना है एक दूसरे से, कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए ये सीधे यहाँ पर अपोजिट में कनेक्टेड है और ये जो है ये सीधे यहाँ पर अपोजिट में कनेक्टेड है, कुछ इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। मतलब रिवर्सल स्विच की जो वायरिंग होती है कुछ इस तरह की होती है। और उसी के साथ यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग का फायदा यह है ये जो है कंप्लीट वाटर रेजिस्टेंट रहेगा और यहाँ पर आपको सर्क्यूट में कहीं से एक दूसरे को टच होने नहीं देगा, मतलब कंप्लीट इंसुलेटेड है, हर तरह से प्रोटेक्टेड भी है और उसके ऊपर से इंसुलेटेड भी है, हमें दोनों चीज़ चाहिए। टेप जो है हमारा बटर में भिगने पर जो है वहाँ से कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, पर जो है हमारी कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है क्योंकि हमने इसको कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रिंग की मदद से जो है प्रोटेक्ट किया है, तो जिसके चलते हमारा स्विच जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है और उसी के साथ यहाँ पर वायरिंग भी इसकी परफेक्ट है। तो चलिए अभी हम इसको गाड़ी में फिट करने का प्रोसीजर आपको बता देंगे। तो चलिए हम गाड़ी में जो भी हमारी वायरिंग है उसको हम सेटअप कर लेंगे और गाड़ी में इसकी वर्किंग कंडीशन भी आपको बता देंगे गाड़ी के पास में। तो यहाँ पर देखिए इसके ग्राउंड के लिए कहीं से भी हम इसको ग्राउंड अटैच कर सकते हैं और पॉजिटिव के लिए यहाँ पर देखिए पॉजिटिव का मैंने अलग से वायर लिया है वीबैट के कनेक्शन के लिए और कंप्लीट इसकी नई वाली वायर की सेटअप मैंने यहाँ पर ले रखी है और इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ फ्यूज के साथ में, जो हमारा फ्यूज बॉक्स है फ्यूज बॉक्स के अंदर यहाँ पर कनेक्ट करना है।
तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर जहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगता है वहाँ पर कुछ इस तरह का, यहाँ पर सिल्वर का जो है यहाँ पर कलर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इस तरह से रहेगा। पर हमारे पास तो क्लिप्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देखिए दोनों ब्लॉक्स इसके खाली है, मतलब यहाँ पर हम फ्यूज़ अटैच कर सकते हैं, पर अभी तो हमारे जो है फ्यूज़ के जो क्लिप्स हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट इसके अंदर वायर इंसर्ट करके यहाँ पर इसको सेटिंग कर लेंगे, और कुछ इस तरह से हमारा फ्यूज़ यहाँ पर तो नहीं लगेगा, पर बाहर की ओर कुछ इस तरह से ये वाले सेटअप से हम एडजस्ट कर लेंगे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट यहाँ पर स्विच की मदद से, और ये हमारा रहेगा फ्यूज़ के प्रोडक्शन में। फ्यूज़ जो है डायरेक्ट हमारा एक जो है वायर हम यहाँ पर अटैच हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर आउट होके जो है स्विच में पावर आ सकता है। तो चलिए यही काम हम फटाफट से कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसकी फिक्सअप की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगेगा जो वी बैट के जो सप्लाई के लिए हमारा फ्यूज़ लगेगा, एक यहाँ से हमारा इन हो जाएगा, आउट के लिए यहाँ पर देखिए हमारा स्विच में से आउट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर वायरिंग ले रखी है, ये आउटपुट के लिए सीधे आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा हमारे स्विच के लिए, और यह जो है इन हो रहा है बैटरी की ओर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर शिंक की मदद से इसको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे रखी है, और उसके बाद हम इसको बैटरी कनेक्शन दे देंगे। वायरिंग की प्रोसेस में यहाँ पर हमने इसकी पॉजिटिव की, यहाँ पर स्विच में जितना भी इसको पॉजिटिव नेगेटिव मिलना था वो तो हमने दे रखा है। अभी हम देखेंगे हमारे डोर्स में यहाँ पर कितनी जगह पर हमें वोल्टेज बनाना है और कितनी जगह पर नहीं बनाना है, यह सारी जो है चीज़ें हम आपको बता। आ चुका हूँ गाड़ी के राइट साइड वाले डोर के पास में, तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर कनेक्शन देनी थी उसको तो मैंने यहाँ पर दे के रखी है, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह के वायर्स हैं, मतलब ये वायर से हमें कुछ काम नहीं है। पर जब इसका सेंट्रल लॉकिंग वर्क करता था उस वक्त जो है हमने एक बार इसको लॉक किया तो सारे डोर लॉक होते थे, अनलॉक किया सारे डोर जो है अनलॉक होते थे, उस वक्त इस तरह से जो है वर्क करता था। पर अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर देखिए इसके ब्राउन और वाइट कलर की इसकी वायरिंग ऑलरेडी डोर के अंदर इंसर्ट होकर है, मतलब एक तरह से इसको अटैच होने के लिए इंसर्ट होकर है। तो उसी को मैंने क्या किया, डायरेक्ट हमारे जो यहाँ से लॉक अनलॉक वाले जो हमारे डीसी मोटर के जो कनेक्शन से उसको मैंने यहाँ पर एक को वाइट को यहाँ पे दे दी और ब्राउन को यहाँ पर इसको मैंने दे दिया, अटैच किया। अभी मैं यही वायर्स को क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आउट होके जो है डायरेक्ट ये अटैच हो जाएगा हमारे स्विच के साथ। ठीक है, यहाँ पर स्विच के साथ कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जैसा हमारा स्विच के साथ अटैच हो जाएगा, हमने अगर इसको टर्न ऑन किया तो सारे डोर जो है हमारे लॉक और अनलॉक होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं कनेक्ट कर चुका हूँ बैटरी को, और अभी चलते हैं अंदर। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो फ्यूज़ कनेक्टेड करना था हमने यहाँ पर फ्यूज़ को यहाँ पर हमने लगा दिया। तो अभी देख सकते हो, यहाँ पर आपको बता दूँ जानकारी के लिए, इसकी जो कनेक्शन है जो यह हमने यहाँ पर दे रखी है ये जो है कम्प्लीट सीरीज कनेक्शन में यहाँ पर लगा है। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक ग्रीन वायर को दिया और यही वाला वायर जो है यहाँ पर आ चुका और डायरेक्ट यहाँ पर इन हो चुका है। यहाँ पर जो कपलर की मदद से जो है चारों डोर्स को यहाँ पर यह पार्सल कर रहा है वोल्टेज को आगे और पीछे। तो जैसा हम यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे तो हमारे चारों डोर जो है हमारे लॉक और अनलॉक हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर हमारा ऑन है, नीचे हमारा ऑन है और सेंटर इसका ऑफ है। जैसा हमने इसको ऑन किया तो तुरंत ही इसको ऑफ करना है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। देखिए, जैसा हम इसको लॉक किया ऑफ करना है, अनलॉक किया ऑफ करना है। ठीक है, लॉक अनलॉक
कुछ इस तरह से आपको कमांड यहाँ पर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से हमारा वर्क करेगा, लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक। यहाँ पर आप पीछे के डोर पे भी आप ध्यान दीजिए, लॉक अनलॉक, ये कुछ इस तरह से आपका वर्क कर जाए। और इस वाले डोर पे भी आप देख लेना एक बारी, लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक। तो यहाँ पर हम जो वर्क करा रहे हैं कंप्लीट स्विच के बदौलत पे करा रहे हैं, ना कि हम यहाँ पर कोई सेंट्रल लॉकिंग का हमारा काम है और ना ही हमारे गाड़ी में कोई सेंट्रल लॉकिंग यहाँ पर फिक्स हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका सेंट्रल लॉक आपका अगर ख़राब हो जाए, आपका रिमोट अगर ख़राब हो जाए, पर आपके जो मोटर से यहाँ पर कुछ इस तरह से पड़े हो गाड़ी के डोर्स के अंदर, तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से इसको कमांड देके यहाँ पर छोटे से स्विच की मदद से यहाँ पर आप मैनुअली इसका काम चला सकते हो। मैंने मैनुअल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा ऑटोमेटेड तो ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ऑटोमेटेड जो होता है यहाँ पर हमने जैसे इसको लॉक किया सारे डोर जो है यहाँ पे लॉक हो जाएंगे, अनलॉक किया सारे डोर जो है अनलॉक हो सकते हैं। वो पॉसिबिलिटी इसलिए है यहाँ पर जो है इसके वायर्स लगे हैं, ये कंप्लीट एक जो है सेटअप होता है पीसीबी की मदद से, वहाँ पर प्रोसेसिंग करके जो है सारे डोर्स को लॉक और अनलॉक करता है। पर हमने जो किया कंप्लीट मैनुअल सेटअप है। अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग के जो भी चीज़ें आपके पड़े नहीं हो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपका रिवर्सल स्विच लेकर यहाँ पर कंप्लीट इसको अच्छी तरीके से, जैसा मैंने यहाँ पर प्रोटेक्शन दिए है यहाँ पर कंप्लीट कुछ इस तरह से आप प्रोटेक्टेड करना है, और उसके बाद आपका जो है सेंट्रल लॉकिंग वर्क कर सकते हो। जो हमारे मोटर्स बेकार में पड़े थे उसको आप कुछ इस तरह से आप वर्क में ला सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ पर बेकार में पड़े थे इसलिए मैंने यहाँ पर वर्क में लाने की पूरी कोशिश की है और मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली इसको ला चुका हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड में कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा, तब मैं आपको क्लियर डिटेल और अच्छी जानकारी यहाँ पर दे सकता हूँ। देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जो भी हमारे बाकी जो भी हमारे काम है उसको हम फटाफट से कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक्स सो मच।